डेब्यू मैच में ही छाई अमनजोत कौर, अपने नाम किया ये बड़ा रिकॉर्ड, प्रसिद्ध कृष्णा को छोड़ा पीछे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया था। इस मैच में अनुषा और अमनजोत कौर को डेब्यू करने का मौका मिला। अनुषा लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर हैं, जबकि अमनजोत को बतौर ऑलराउंडर टीम में शामिल किया गया था। पहले मैच में ही अमनजोत कौर ने खास उपलब्धि हासिल कर ली है। ढाका के शेर ए बांग्ला में खेले गए इस मैच में बांग्लादेश टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 152 रन पर सिमट गई थी। भारतीय टीम की तरफ से अमनजोत कौर ने डेब्यू मैच में अपनी चमक बिखेरी। उन्होंने 9 ओवर में 4 विकेट चटकाए और भारतीय पुरुष टीम के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को पीछे छोड़ दिया। अमनजोत कौर ने डेब्यू मैच में ही चटकाए 4 विकेट। दरअसल भारतीय टीम ने बांग्लादेश से इंडिया के पहले वनडे मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश महिला टीम की शुरुआत खराब रही। टीम की तरफ से निगार सुल्ताना के अलावा कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा रन नहीं बना सका। सुल्ताना ने 39 रन बनाए। इस तरह बांग्लादेश महिला टीम 44 ओवर में 152 रन पर सिमट गई। भारतीय महिला टीम की तरफ से डेब्यूटेंट अमनजोत कौर ने 9 ओवर में से 2 ओवर मेडल डाले और कुल 31 रन खर्च करते हुए 4 विकेट हासिल किए। इस दौरान उन्होंने खास उपलब्धि हासिल की। उन्होंने वनडे में डेब्यू में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा को पीछे छोड़ दिया। बता दें कि प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने डेब्यू मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 2021 में 54 रन खर्च करते हुए 4 विकेट चटकाए थे। अपना पहला वनडे मैच खेल रहे अमनजोत कौर ने घातक गेंदबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज मुर्शिदा खातून, फरजाना हक, कप्तान निगार सुल्ताना और राबिया खान के विकेट झटके, जिससे बांग्लादेश की टीम बारिश के कारण 44 ओवर के किए गए मैच में जूझती नजर आई। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की ओर से अमनजोत कौर और बाएं हाथ के स्पिनर अनुषा ने वनडे क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। वहीं शीर्ष क्रम की बल्लेबाज प्रिया पुनिया ने 2021 के बाद पहली बार भारतीय टीम में वापसी की। बांग्लादेश के लिए स्वर्णा अख्तर ने अपना वनडे पदार्पण किया। 23 साल के अमनजोत कौर दाएं हाथ की बैटर हैं, वह गेंदबाजी भी करती हैं। 1 जनवरी 2000 को पंजाब के माहौली में जन्मी अमनजोत कौर शुरुआत में चंडीगढ़ के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में पंजाब क्रिकेट टीम की कप्तानी कर चुकी हैं। इसके अलावा वह इंडिया ए महिला टीम की कप्तानी कर चुकी हैं। घरेलू क्रिकेट में इंडिया ए के लिए शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें इस साल जनवरी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ त्रिकोणीय T20 सीरीज के लिए पहली बार भारत की सीनियर महिला क्रिकेट टीम में शामिल किया गया था।